हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। अबे रुक जा रहे, इंट्रो तो कर लेने दे, फिर बाद में कर लेना ये पहले ही। सो भाई, आज की जो वीडियो है किसी रेड वगैरह पे नहीं होने वाली। आज की जो वीडियो है हेजार्ड जो फ्लेशर है, कई लोग अलग अलग नाम से ब्लिंकर वगैरह इस नाम से बुलाते हैं, बट हेजार्ड फ्लेशर है, एक्स हेजार्ड फ्लेशर जो आज अपन बाइक में इंस्टॉल करेंगे 4RS के लिए। लक्की ने पहले मंगवाया था, एक्स फ्लेश मंगवाया था ना तेने पहले, तो इसका ये था NS का आ गया था। और ये भी इसका भी अमेजोन पे एक ही रिव्यू है, ये सेकंड टाइम मंगवाया मैंने, जो अपन देखते हैं फिर रिव्यू, अगर सही रहा तो रिव्यू भी देंगे। तो चलते हैं अनबॉक्सिंग करते हैं। वैसे तो बॉक्सिंग के लिए लगाई हुआ है ये, कर क्या रहा भैया तू, नीचे रख के खोल लेना आराम से। अबे रुक जा रे, पावर रेंजर एक्स फ्लेश पावर रेंजर। तो भाई ले इधर ला, यहाँ क्या 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 चीज़ आई है इसमें बताओ। तो भैया सबसे पहले तो पन्नी तो फेंक दी इसने, दो तीन चीज़ें मेरे पास जो आया था ना उसमें एक बड़ा कपलर था, ये चीज़ आई है एक अलग से, और स्टिकर प्लग एंड प्ले के लिए, और स्टिकर है, स्टिकर ये किसी काम का है नहीं अपने। ये कौन सा स्टिकर, रिफ्लेक्टर, वाओ ये फाड़ के निकलेगा, फाड़ के नहीं, क्लिपर ये लगा हुआ ये, हाँ ये चिपक रहा है उसमें। हाँ पीछे लगाओगे, आगे पीछे लगेगा, पीछे ही लगेंगे सब सब सारी चीज़ें। तो भैया अभी इसको खोल के देखा, थोड़ा टाइम लग रहा है निकल गया कुछ नहीं, सिंपल सी चीज़ है, इसको प्लग, हाँ ठीक है। अब रुक जा, सीट तो खोलने, सीट तो खोल आराम से, ये सब कुछ यही कर लेगा, कर ले चल तो ही कर ले। पहले तो आपको जो ये BS3 है और ये BS6 के लिए आता है, इस पर लिख रहा है, इस पर लिखा हुआ है, एक मिनट रुक, ये बजाज RS200 BS6, ये नंबर प्लेट का है, नंबर प्लेट है, राइट इंडिकेटर, और ये राइट इंडिकेटर, ये लेफ्ट इंडिकेटर, बैक लाइट, हाँ बैक लाइट का ये रहा, एक है बैक लाइट का है, तो अपन लगाएंगे नहीं, इंडिकेटर है यूज, अपन के इंडिकेटर ही मेन तो यूज है। तो भाई ऐसा सीट को हटाने पर ऐसा कवर है, इसको अपन हटा देते हैं पीछे आराम से, ये रखे ना पहले नीचे। कुछ नहीं, कलर वाइज है ओनली, बच्चों का खेल है। ये एक वायर हटा हुआ था शायद, ग्रीन वाला हटा हुआ था, लगा पता नहीं है, लगा देंगे अपन हटा हुआ को। तो भाई अभी इसमें ये नसे हैं, नसे अपन को पूरा जल्दी से नसे, इसकी ये क्या है, इसकी दिल है ये। पहले ब्रेक लाइट कौन सा था, रुक जा भाई, गाड़ी की चाबी निकाल पहले इंडिकेटर का देख लेना, कौन सा दे रखा है इंडिकेटर के लिए। तो भाई आपको अगर लगे कि पता नहीं है इंडिकेटर का कौन सा है, तो पहले अपन लगा के देख लेंगे, ग्रीन और ग्रे होता है हमेशा, ये देखो वो जल गया, ये नहीं जला, ये वाला नहीं है, तो पैदा लेट हुआ था, रेंदे रुको रुको, अरे ये इसका ये ग्रीन वाला लगा के, अरे इसमें देख लेना इसमें कौन सा दे रखा है, एक बार ग्रीन वाला लगा के देख, हाँ ये ग्रीन वाला इंडिकेटर का है, राइट इंडिकेटर का नहीं, सॉरी लेफ्ट इंडिकेटर का, ग्रीन वाला लेफ्ट है ना, तो पहले वो लगा देना। अरे तो अभी वो चालू ही नहीं किया इंडिकेटर, कहाँ से लगा रहा है तू पहले जो लेफ्ट इंडिकेटर लेफ्ट का लगा, इसमें देख लेफ्ट का कौन सा है, कोई अगर लेफ्ट ब्रेक लाइट है, वो पिघल गया यार, ये तो पिघला नहीं, राइट इंडिकेटर ऑन करो, ऑन ही है नहीं, लेफ्ट का ऑन ही है, वाह मिल गया ना अभी, यहाँ ये रहा, मिल गया ना, ये है फट चला गया, जल गया, और देखो और दूसरा, अब लेफ्ट का इंडिकेटर लगा, लेफ्ट इंडिकेटर, उनको इधर ही रख लेना अंदर, लेफ्ट वाला क्या, रुको तो सही, लेफ्ट वाला क्या, ग्रीन है ना, लेफ्ट का इंडिकेटर जलाना ही करा, बट ये वो है चटक वाला है, 60 पैटर्न है ना, कोई ना कैसे चलता है ऐसे, हाँ ये तो बंदे क्यों कर दिया छतक तो भी चेक करते हैं, जला नहीं जला,
लगा दिया, जल गया भैया, जल गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। और आगे का जल रहा है, आगे का भी जल ही रहा है, ब्लिंक कर रहा है। अभी इसमें तो वही खत्म हो गया, बोला था ना मैं 26 में खत्म हो जाता है। नंबर प्लेट की कौन सी है ये, ब्लू वाली? नंबर प्लेट की लगाएंगे, रहने दे यार, और ब्रेक लाइट की भी देखने तो दो यार, सारा फिट करके देखते ना कैसे लग रहे हैं। तो होता है आपके पक्का है नंबर प्लेट का था वो, ब्रेक लगा के देख लेता ना मैं पहले। दबाओ ब्रेक, लगाओ, तू खोल जो हटा वो सारे हटा हटा, लो ब्रेक लगाओ। अगर नीला वाला ब्रेक का नहीं होता, लगाओ ब्रेक, लगाओ ब्रेक, लगाओ 1 2 3 नीला वाला ब्रेक का है, नीला ब्रेक का है, नीला ब्रेक का है, एक बार लगा के देख। ये नीला वाला ब्रेक का है, ब्रेक लाइट, ब्रेक लाइट यही है, ब्रेक लाइट भी, ये ब्रेक लाइट जल गई। ये और अगर देखो, रुक जा पहले, बंद कर गाड़ी, चाबी बंद कर, अब रुक जा, अब ऑन कर गाड़ी की चाबी, अगर सही लगाओगे तो एक बार ब्लिंक हो जाएगा ये बटन। आता है ये क्यों नहीं चला है? हाँ वो नहीं चला ना, तो कोई कनेक्शन कर लेते इसका, कनेक्शन कोई गलत नहीं है, बटन अरे इधर उधर करके दबा, गाइड पड़ो, तो अभी हम चेक करके बताते हैं। A few moments later. भाई लोग हमने सब कुछ करके देख लिया, ये एक्स प्लस के हैजार्ड जो है, ये सिस्टम जो आया एकदम मतलब PS3 के लिए यूजेबल है, BS6 के लिए यूजेबल है ये, BS3 के लिए नहीं है ये। अभी लक्की बताएगा आपको पूरा क्या सिस्टम है इसका। BS6 के लिए यूजेबल है, BS6 में क्या रहता है, कंटिन्यू लाइटिंग चलती है। अभी अपन ने गाड़ी ऑन करी ना, तो सिर्फ ये पावर ऑन होती है गाड़ी की, और कुछ भी ऑन नहीं होता। अभी आप चेक कर सकते हो BS6 में क्या, डायरेक्ट लाइटें चल जाती है ऑन होने में, अभी कुछ भी फंक्शन ऑन नहीं हो रहे इसको। BS3 में ये जो चीज़ है, इधर दिखाओ, ये जो पार्किंग लाइट वगैरह ऑन करते हैं, अगर इसको अगर स्टार्ट भी कर देंगे ना तब भी नहीं चलेगा। देखो अब जब तक ये चलेगा तब तक लाइटें ऑन नहीं हो जाएगी। ये देखो अभी बताता हूँ, इसमें जला, अब जला बीच वाला, ये देखो अभी जली लाइट आपको दिखी, लाइटें जलेगी। ये देखो अब जाके वापिस बंद करके वापिस चालू कर, एक बार नहीं मोड चेंज करना पड़ता है। हाँ एक्टिवेट एक्टिवेट करना, ये देखो मोड चेंज करने के बाद अब जाके ब्लिंक हुआ है, ये जब हुआ है जब गाड़ी चालू हो रही है तब, अदरवाइज ये चालू नहीं होगा। ये BS6 के लिए ही है। सो गाइस अगर आपकी BS3 बाइक है ना तो कोई मतलब नहीं है, अभी इसके देन बाद हम सिमटेक का यूज़ करेंगे, जो लक्की के पास ऑलरेडी लगा हुआ है सिमटेक का, इसकी बाइक में सिमटेक का ही यूज़ हो रहा है, हम वो भी मंगा के देखेंगे, देन उसके बाद लगा के देखेंगे कि वो यूज़ेबल है कि नहीं है, वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। बट ये तो मेरी गाड़ी के लिए तो बेकार है, क्योंकि मेरे बाइक में डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं, BS6 में डायरेक्ट आजकल कनेक्शन आ रहा है हेडलाइट वगैरह का, तो उसके लिए यूज़ेबल है, बाकी मेरे लिए तो नहीं है, मैं वापस से रिटर्न कर दूंगा। और आप लोग से भी निवेदन है कि अगर BS3 है बाइक तो ना मंगाएं, BS6 के लिए बहुत सही है। इस पर लिखा हुआ है BS6, तो BS6 के लिए ही वर्क करेगा ये पूरा प्रोसेस, एक्स फ्लैश का जो है फ्लेशर, अदरवाइज BS3 के लिए तो कोई मतलब नहीं है। गाड़ी चालू करेंगे तब जाके जलेगी, अगर खड़ी खड़ी गाड़ी खड़ी कर रखी है आपने और अगर स्विच ऑन कर रखा है तो ये नहीं जलेगा, बस यही सीन है इसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले सी।